नमस्कार भैया बहनी, विराट के बघेली बुलेटिन में स्वागत है अपना पंजन के प्रियंका के साथ। बुलेटिन के पहल खबर की बात करी थी, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के NSUI के कार्यकर्ता पुतला फूकी नहीं। ये दौरान युवा नेता कहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बयान देन गा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बटाओ, जेकर NSUI घोर निंदा करी सी। पदाधिकारी पुतला दहन करे के बाद पत्रकारों से चर्चा करत कहीं कि एक तरफ सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा देती, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बेटिन के अपमान कर रहे हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अन्य महिला नेत्रीन का आड़े हाथ लेत कहिन कि अब वो कहाँ हैं जी, बात बात पर बेटी की सुरक्षा और पढ़ाई की बात करती हैं। आई अपना सुनाई थे NSUI के पदाधिकारी का कुछ कहिन। नरेंद्र मोदी होश में आओ। सम्मान करो बेटियों का। बताइए, आज नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन, आज हम नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किए हैं। कल जो उन्होंने बयान दिया, बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और उनको प्रधानमंत्री जैसे पद में उसकी गरिमा न बनाए रखने के कारण इस जो शब्द उन्होंने बोला है, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। और कहाँ है स्मृति ईरानी जो BJP की नेत्री हैं, कहाँ है, कहाँ चुकी बैठी। आज नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। हमने नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन इसलिए किया है, इतने बड़े दायित्व और पद में होने के बावजूद प्रधानमंत्री जैसे लोग अगर इस तरीके का बयान देंगे कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। चुनाव के समय में वोट लेने के लिए सबसे पहले नेताओं के जहन में एक चीज़ आती है, महिलाओं का सम्मान करो, ऐसा चोचलम वो दिखाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, एक गरिमा पर पद में रहने के बावजूद आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं महिलाओं के बारे में। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने बोलना तो ठीक, अभी तक उसकी किसी भी प्रकार की निंदा भी नहीं की। मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप औरतों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं और अगर आप अपने विचार इस तरीके से रखेंगे तो कहीं ना कहीं जनता उसका जवाब आपको जरूर देगी। नाम क्या है? मैं मानवेंद्र प्रताप सिंह गहरवाल, NSUI युवा छात्र नेता। बुलेटिन की दूसरी खबर सतना के अमरपाटन थाना क्षेत्र से है, जहाँ मोहरी कटरा में चलत ट्रक में आग लग गए। आग लगते ट्रक धू धू के जले लाग। 11 KV के हाई टेंशन बिजली के तार के चपेट में आवे से ट्रक में आग लगी है। आग लगे से ग्रामीण मन दहशत के माहौल बन गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड का सूचना दिन गए। फायर ब्रिगेड मौकम पहुंच के ट्रक के आगी पर काबू पा ली सी, लेकिन ट्रक जल के खाक होगा। ट्रक उमरी गांव में पत्थर और गिट्टी अनलोड करे के बाद वापस आवर रहा और हादसा के शिकार होगा। अपना को बताए कि यह इलाका अवैध पत्थर उत्खनन के अड्डा है। अवैध उत्खनन के चलत हैवी वाहनन का यहाँ आवागमन होत रहा थे। यह ट्रक वैध या अवैध पत्थर गिट्टी काम कर रहा या नहीं, खनिज विभाग और पुलिस जांच में साफ हो सकी। बुलेटिन की तीसरी खबर की बात करी थी, जहाँ एक ऐसा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम के सामने एक गली में रॉयल फिनसर्व के नाम से संचालित कंपनी के आए, जेके द्वारा नगर निगम के अतिक्रमण वाहन चालक संजय गौतम से ठगी की गई, जेकर शिकायत पीड़ित सिटी कोतवाली थाना में दर्ज कराई नहीं। पीड़ित बताएं कि रॉयल फिनसर्व फाइनेंस कंपनी में काम करे वाला आदित्य राजपूत उनसे मास फाइनेंस कंपनी से 2 लाख रुपया के लोन पास करवाए रहा, जे माँ उससे 58,500 रुपया कम मिला है। एक बाद आदित्य राजपूत बिना कोनो जानकारी के फर्जी तरीका से उनके खाता से 32,500 रुपया निकाल लीन। जेकर जानकारी संजय गौतम कब है तो वापस कंपनी में जाए के अपन कुल रकम 59,000 रुपया वापस किए जाए के खातिर बोलिन, लेकिन कंपनी में काम करे वाले आदित्य राजपूत उनका धमकी दे के पैसा वापस न करे के बात बोलिन। शिकायत के आधार पर पीड़ित बताएं कि जब पुलिस उनसे पूछताछ करिस तो अपन सही नाम आदित्य सक्सेना बताएं। पीड़ित पुलिस से अपन रकम वापस करावे के मांग कर रहा है। अभी हमारा पूरा स्टाफ फर्जी बना रहा है, नोटरी 33 करवाए, अप्लाई किया था 1 लाख रुपए के लिए अपने सर्विस बेस पे, सैलरी बेस से। तो हमने अपने यहाँ का कागज लगाया इनसे लेने के लिए, लोग तीनों ने हमारी सैलरी स्लिप को फर्जीवाड़ा कर दिया, हमारी सैलरी बढ़ा दिया इन्होंने 19,300 रुपये कर दिया, हमारी सैलरी की 10,000 रुपये है। अब ये हमारे अकाउंट से बिना बताए हुए हमारे 32,500 रुपये नगद निकाल लिए चेक से, और इसके पहले 9,000 निकल गया,
और 15,000 रुपया इन्होंने हमसे कागज और काम कराने के बाद में पैसा लिया था पहले कमीशन नगद। अब बोलते हैं कि हम नहीं देंगे, जो करना हो कर लो। क्या नाम लिखते हैं आप? हम संजय गौतम लिखते हैं। इन्होंने हमको पहले अपना नाम बताया आदित्य राजपूत, तो हमने आदित्य राजपूत के नाम से ही 3 तारीख को FIR कायम की थी सिटी कोतवाली थाने में। इस जजनों को विवेचना में बुलाया गया तब पता चला कि ये सक्सेना है। अच्छा, आप कहाँ काम करते हैं? हम नगर निगम में अतिक्रमण चालक हैं। बघेली माँ समाचार के लाने देखत रही हमारे बिंद के बघेली बुलेटिन। नमस्कार।